बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ, ये है इस बजट का सार। गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन HPCL की पाइपलाइन को मोनेटाइज किया जाएगा, इसे भी समझें बेचा जाएगा। टायर 2 टायर 3 शहरों के हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे। यानी जो बजट आया है वो इस बाजार के लिए शानदार बजट है। ये पूछ रही हूँ कि कल के बजट में ऐसा क्या होगा बता रहा हूं। जिसकी वजह से बेरोजगारी पर शिकंजा। आप छोटे शहरों में जाइए सर, बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? 1 फरवरी को देश का बजट पेश हुआ। इस बार के बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, इसके बारे में तो आप सब जान ही चुके होंगे। इस वीडियो में हम बजट के एक और खास हिस्से पर चर्चा करेंगे, जो कि है विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में करीब 35,000 करोड़ रुपए कम है। गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा था। इस पर चर्चा करने से पहले आप मोदी जी की ये वीडियो देखिए, जिसमें वह कह रहे हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार के पास विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्लान तैयार है। अब तक कुछ सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर फैसले लिए जा चुके हैं, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरे होंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में BPCL, एयर इंडिया, कॉनकोर, IDBI में विनिवेश पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा LIC का IPO भी अगले वित्तीय वर्ष में लाने का प्लान बताया। इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए सरकार कुछ CPSE में भी अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेच सकती है। वहीं अन्य प्राइवेटाइजेशन डील में भी नए वित्तीय वर्ष में पूरी होने के अनुमान हैं। NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कंपनियों के नाम बताए जिसमें सरकार अपने हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस बार भी सरकार बहुत कुछ बेचने के लिए लेकर आई है। अब आते हैं उन चीजों पर जो पूरी तरह बिक जाएंगी, या आधी बिकेंगी, या थोड़ी थोड़ी बिक जाएंगी। इनका औपचारिक नाम है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को बेचा जाएगा। कौन से बैंक होंगे, हर बैंक वाला गेस कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, इसके लिए IPO लाएगी। गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन HPCL की पाइपलाइन को मोनेटाइज किया जाएगा, इसे भी समझें बेचा जाएगा। टायर 2 टायर 3 शहरों के हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वेयर हाउस की भी हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 हाईवे को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा। पिछले बजट में सरकार ने 2024 तक NHAI की 6000 किलोमीटर की लंबाई के 12 नेशनल हाईवे को मोनेटाइज करने की बात कही थी। खेल के स्टेडियम भी बेचे जाएंगे। क्या खेल के स्टेडियम तक का निजीकरण होगा? जानकारी के मुताबिक BPCL में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी यानी कि 14.91 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी कर चुकी है। बता दें कि BPCL बेचने से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। गौरतलब है कि सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया कर्ज में डूबी हुई है। बता दें कि सरकार ने साल 2020 में एयर इंडिया को बेचने के लिए कई बार बोलियां लगाई, लेकिन खरीदार नहीं मिला। उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार उसे बेचने में सफल रहेगी। विनिवेश को लेकर अधिक जानकारी वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी दी। उन्होंने सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर लिए फैसले पर विस्तार में चर्चा भी की। यानी जो बजट आया है वो इस बाजार के लिए शानदार बजट है। एक ऐसा बजट है जिसका मैसेज बहुत साफ है।
सरकार को पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार को अभी तक जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए जो पैसा आता था, उस पैसे से सरकार का काम नहीं चल पा रहा था, गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में खर्च के लिए अब जो पैसा चाहिए, क्यों नहीं सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। इस प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह है कि जो अपने तौर पर धंधा करते हैं, और धंधा इसलिए करते हैं क्योंकि वह मुनाफा कमा सके। इस खेल में बहुत साफ तौर पर देश के वित्त मंत्री ने आज बजट रखते हुए बतला दिया, हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वह रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन ही क्यों ना हो, रेल, रेल में भी जो खास तौर से माल ढोती हैं उसके लिए जो डेडिकेटेड लाइंस बनाई जाएगी वह भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकारी कंपनियों में विनिवेश के फैसले पर सवाल भी किए। आदरणीय मित्रों, मोदी सरकार का ये बजट, अगर उसका एक शब्द में सार, जैसा चिदंबरम साहब ने कहा, कहें तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल दो लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग को धोखा दिया, और उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजटीय भाषण को सुन रहे थे। मीडिया डिबेट में इस मुद्दे पर सवाल होते दिखे, एंकर बीजेपी नेता से और सरकार के नेताओं से इस मुद्दे पर सवाल करते नजर आए। उसके साथ साथ जो आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, जो प्री आपके कांग्रेस के प्रवक्ता है, बार बार इन लोगों ने, बार आपने भी जिक्र किया सुब्रमण्यम साहब के साथ, सीएमआई का डेटा, लेकिन आपकी पहली लाइन थी सैयद जफर इस्लाम साहब, प्री कोविड, सैयद जफर इस्लाम साहब, आज मैंने भी सीएमआई का ही डेटा जिक्र किया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सामने, लेकिन आप भी तो सुनिए सर, आपकी पहली लाइन थी जो इकोनॉमिक समझता होगा। एक आम आदमी जो इकोनॉमिक्स नहीं समझता है सर, जिसने नौकरी खोई हो पिछले दिनों, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना, ये तो नहीं बोल सकते ना ऑन रिकॉर्ड कि किसी ने नौकरी नहीं खोई, बेरोजगारी है ही नहीं देश में, आप भी मानेंगे। तो ऐसे में उसके लिए इस बजट में क्या होगा ये बताइए ना सर, आप तो यथास्थिति की प्रशंसा में और पीठ थपथपाई में पूरा टाइम निकाल रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि कल के बजट में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से बेरोजगारी पर शिकंजा। आप छोटे शहरों में जाइए सर, बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट, सबसे बड़ी समस्या है। सरकार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयार है, और धीरे धीरे इसको लेकर खबर न्यूज में देखने को मिल ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.